ट्रैवल के बारे में तो हमने देखा, फूड के बारे में भी हमने देखा, कैसे आना है नेपाल में वो भी देखना। यस, अभी हम नेपाल में ही है, आप कहाँ पे जाओ मत, क्योंकि आपको भी पता है कि हम मिल के अभी यहाँ तक आए हैं, खाना भी खाया है, ट्रैवल भी कर रहे हैं और घूम भी रहे हैं, लेकिन अरे पैसों का क्या, यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है और आपके पास क्या होना चाहिए। अगर हमने हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे देखा होगा तो चलो अभी निकालो अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी कुछ हो, एंड यू कैन सी बिहाइंड द कार्ड, बैक साइड ऑफ द कार्ड पे वहाँ पे एक लिखा जाता है कि दिस कार्ड इज नॉट कन्वर्टेबल या नॉट एक्सेप्टेबल इन द नेपाल एंड भूटान, एंड दिस इज द मैंडेटरी। जब भी कार्ड आता है, तो जब भी मुझे पहला कार्ड मिला था, मैंने पहले ये सेंटेंस पढ़ा था कि नेपाल एंड भूटान में दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, तब जाके इसका कोई मीनिंग मतलब लगा नहीं था। लेकिन अभी जब भी मैं नेपाल जा रही थी, सो अबाउट द करेंसी आई एम थिंकिंग लाइक कि वहाँ पे क्या एक्सचेंज होता है, कौन से पैसे चलेंगे, आई कैन यूज द कार्ड मनी और लाइक नीड टू कैरी द कैश एंड लॉट ऑफ दैट। सो मैंने नेपाल के लोगों से भी पूछा था जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में थे वहाँ पे, तो उन्होंने भी बताया था लाइक वहाँ पे चलता है कैश ऑल्सो, INR भी एक्सचेंज होते हैं, कुछ लोग INR भी एक्सेप्ट करते हैं, सो दैट इज डिफरेंट। बट इन टर्म्स ऑफ द कार्ड, डेबिट कार्ड हो क्रेडिट कार्ड हो, लाइक मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन नेपाल एंड भूटान, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। आप अपने कार्ड को पहले चेक करो या फिर कस्टमर केयर से बात करके, बैंक से बात करके वो क्रॉस चेक करके रहो, ओके, दिस इज वन ऑफ द थिंग। और अगर आपके कार्ड में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, देन यू कैन यूज़ दैट कार्ड इन नेपाल, बट उसके लिए आपको इंटरनेशनल एक्टिवेशन करना जरूरी है। सो जस्ट डू एक्टिव योर कार्ड एंड देन यू कैन यूज़ दैट कार्ड इन दैट कंट्री, ओके, दिस इज वन ऑफ द थिंग। द सेकंड इज, अगर ये कार्ड नहीं चले तो फिर अभी मतलब आया कि अभी हम क्या करें। सो यस, आई हैव कैरीड द कैश, अभी मतलब ऑप्शन ही नहीं है ना कि मतलब हम वॉलेट मनी लेके घूम सकते हैं, तो अभी कैश ही कैरी करना पड़ा मुझे। तो मैंने बजट रखा था कि मुझे अगर 8 दिन वहाँ पे रखना है या फिर रुकना है, 10 दिन मुझे वहाँ पे रुकना है, सो लाइक कितना टेंटेटिवली मनी मुझे लगेगा, जाने आने का खर्चा पकड़ के चलो, या फिर वहाँ का स्टे का हो, फूड का हो, ट्रैवल का हो एंड अदर एक्सपेंसेस भी जो भी हो, तो उतना सरप्लस मनी थोड़ा सा मैंने कैरी किया था मेरे साथ। और फिर हम जब भी सुनोली बॉर्डर पे गए थे, तो फिर मैंने वहाँ पे मतलब कैश को एक्सचेंज किया था, क्योंकि मैंने इतना सुना है और मैंने अभी खुद एक्सपीरियंस भी किया वहाँ पे, INR इज ऑल्सो एप्लीकेबल एक्सेप्टेबल एंड यस नेपाली करेंसी इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अगर वो बातें करते हैं लोग, तो वो जब भी बोलेंगे, अगर समझ के चलो कि मुझे कोई बौद्ध का स्टैचू परचेस करना है और मैं वहाँ पे गई, तो फिर वो क्या बोलेंगे, अगर मैंने पूछा उनको कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट, तो फिर वो दो करेंसी में मुझे बताते हैं कि एक IC होता है, एक NC होता है। IC का मतलब इंडियन करेंसी, NC का मतलब नेपाली करेंसी, ओके, तो आपको दो बताएंगे। अभी कन्वर्जन क्या होता है उसके लिए, तो अगर 100 रुपीज इंडियन करेंसी है, उसके बदले में आपको 160 रुपीज नेपाली करेंसी मिलेंगे। सो एक यहाँ पे एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इनका जो स्टैंडर्डाइजेशन है एक्सचेंज ऑफ द करेंसी का, दैट इज़ फाइनल, मतलब दैट इज़ अ कन्फर्म स्टैंडर्ड किया गया है कि वो एक्सचेंज मतलब फ्लक्चुएट नहीं होता, वो वैरी नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना कि डॉलर आज इतना है, कल जाके एक्सचेंज करोगे तो कल और कुछ मिलेगा, कम भी होगा ज़्यादा भी होगा, लेकिन यहाँ पे इस मामले में मैंने देखा इट इज़ लाइक इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज़ को 160 रुपीज़ आपको दिया जाता है। जब भी आप एक्सचेंज करोगे कि अगर आपने 1000 लाइक 10,000 मैंने अगर उनको दिए INR दिए, तो उसके बदले में मुझे 16,000 नेपाली करेंसी मिलेंगे। दिस इज द स्टैंडर्ड कन्वर्जन रेट, सो आपको अभी पता चला होगा। तो जब भी आप वहाँ पे जाओगे, तो जस्ट कैलकुलेट दिस लाइक दिस एंड आपके पास जितनी कैश होनी चाहिए उतने आप रख के मतलब चलो, ओके, दिस द स्टैंडर्ड। दूसरी बात, वहाँ पे लोग नेपाली करेंसी भी लेते हैं और इंडियन करेंसी भी लेते हैं, सो मेजॉरिटी शॉप्स आर एक्सेप्टेबल, इवन होटल्स में भी एक्सेप्टेबल किए जाते हैं। लेकिन अगर आप रिमोट प्लेस पे जा रहे हो या फिर थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ पे मेजॉरिटी मतलब नेपाली करेंसी ही चल के रखो, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, ओके। जनरल जैसे है ना कि कुछ लोग इंडियन करेंसी को कैरी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें नेपाली करेंसी भी वहाँ पे होनी चाहिए। एंड अगर आप रिवर्स करोगे कि आपके पास अभी बहुत सारी नेपाली करेंसी बची है एंड यू आर कमिंग बैक टू इंडिया, देन आप क्या करोगे, क्योंकि जब तक आप वहाँ पे वापस नहीं जाओगे तब तक उसका यूज़ नहीं है। जैसे मैं डॉलर अगर हमारे पास बचे, तो हमें पता है कि अगर मैं किसी भी कंट्री के लिए जाऊँ तो आई कैन कन्वर्ट एंड एक्सचेंज दैट डॉलर एंड उसका यूज़ होता है, लेकिन व्हाट अबाउट द नेपाली करेंसी। सो मैंने रिटर्न आते समय मैंने उसको एक्सचेंज किया था, तो वो उस समय पे 5 रुपीज़ कम लेते देते हैं। मतलब अगर जैसे हमने बोला कि अगर मैंने 10,000 दिए तो वो 160 रुपीज़ देंगे, लेकिन जब मैं रिटर्न करूँगी तो वो 155 ही पकड़े जाएंगे, मतलब 5 रुपीज़ का कमीशन लिया जाता है। सो 160 के बदले वो 5% का कमीशन चार्ज करते हैं एंड देन दे विल एक्सचेंज यू द लाइक नेपाली करेंसी से इंडियन करेंसी तो एक्सचेंज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द करेंसी एंड ऑल। और मैं कहूँगी नेपाल कैसा है, तो यस नेपाल इज लाइक इट इज़ लाइक अ इंडिया, लेकिन यस कंपैरेटिवली इट इज़ सो चीपर।
फूड स्टे ट्रैवल या बाकी जो भी बेसिक नेसेसिटी हम कहते हैं कि जिसकी बेस पे मतलब कंसिडर किया जाता है वेट इज बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है, सो नेपाल इज लाइक चीपर. मतलब यस यू कैन, बहुत अच्छी कंट्री है, एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होता. और अगर मैं कहूँगी बिजनेस ही कहीं सही ट्रैवल के लिए भी जाना हो एंड विथ अगर बिजनेस भी करना हो यू कैन एनी वे, मतलब कल भी उठ के जा सकते हो. सो दैट इज़ लाइक दैट. सो बजट ज़्यादा नहीं है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता, पास में हमारे और इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है कंट्री. सो यस यू कैन एक्सप्लोर द नेपाल. सो आईसी एंड एनसी, जस्ट रिमेंबर दैट. सो आपको क्या पता चला करेंसी से, सो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड यस, हाउ यू आर लाइकिंग दिस, मतलब आपको सीरीज कैसी लग रही है, और ऐसी सीरीज अगर मैं दूसरे कंट्रीज भी की करूँ क्या, सो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड विच कंट्री यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर दैट. सो जस्ट टेक एक्शन, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट.